अमरीका के नए सदर का पुरतशद्दुद मुजाहिरों से इस्तकबाल। डोनाल्ड ट्रंप की हलफबरदारी से कबल वाशिंगटन में हजारों अफराद का एहतजाज। व्हाइट हाउस के बाहर मुश्तइल अफराद की तोड़फोड़, पुलिस से झड़पें। पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। की तारीख का अहम बाब, ट्रंप के दौर का आगाज। डोनाल्ड ट्रंप कुछ ही देर में सदारत का हलफ उठाएंगे। वॉशिंगटन में तकरीब, बड़ी तादाद में लोग शरीक। ओबामा और हिलरी के अलावा बुश, बिल क्लिंटन और जिमी कार्टर भी मौजूद। ट्रंप ने अहले खाना के हमराह सेंट जॉन चर्च में खुसूसी इबादत भी की। कराची में कमसिन बच्ची से ज्यादती के केस में अहम पेशरफ। पुलिस ने एक मुश्तबा नौजवान को हिरासत में ले लिया। इब्राहिम नामी नौजवान तफ्तीश के लिए थाने मुंतकिल। बच्ची से ज्यादती के मामले पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने आज खुद नोटिस ले लिया। कोरंगी नदी से मिलने वाली बच्ची के वरसा भी सामने आ गए। जल गई, बल ले गया। चेंबर में आ जाए, वहां पढ़ के बता। ये इस असेंबली की ड्रामा, मेरी मुझे ट्यूशन थोड़ी पढ़ाती है कि मुझे समझाए कि ये पढ़ो वो पढ़ो। ये सारा तरीका है कि चैंबर में आए, फिर इजलास भी चैंबर में बुलवाएं। माइक ऑफ करें, सबकी आवाजें वैसे ही बहुत बड़ी। सिंध असेंबली के इजलास में सूबाई वजीर इमदाद प्रतापी ने बदतहजीबी की इंतहा कर दी। नुसरत सहर अब्बासी से तल कलामी, ड्रामा क्वीन भी कहा। सवाल के जवाब में अटक अटक कर अंग्रेजी पढ़ी तो सभी मुस्कुराते रहे। कराची में जराइम पर काबू पाने के लिए 10,000 अहलकारों पर मुश्तमिल पुलिस फोर्स बनाने का फैसला। स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन किया जाएगा। वजीर आला सिंध की जेर सदारत इजलास। मार्केट्स के अतराफ सीसीटीवी कैमरों की तंसीब भी यकीनी बनाई जाएगी। लाहौर के मियो अस्पताल में सेहतमंद इंसानों को भी स्टंट डाल दिए गए। FIA की रिपोर्ट में इंकशाफ, प्रोफेसर्स घटिया स्टंट महंगे दामों फरोख कराते थे। 92 न्यूज ने PIC में गैर रजिस्टर्ड स्टंट डालने का मामला भी बेनकाब कर दिया। में पानामा केस की समाअत। वज़ीर आज़म ने तकरीर में लंदन फ्लैट्स की मलकियत तस्लीम की। जमात इस्लामी के वकील तौफीक आसिफ के दलाइल, नवाज शरीफ ने किस जगह मलकियत तस्लीम की है? जस्टिस आसिफ खोसा का इस्तफसार। जस्टिस अजमत सईद ने कहा, अगर वज़ीर आज़म तस्लीम कर लेते तो हमें इतनी मुशक्कत ना करनी पड़ती। औरों को नसीहत, खुद मियां फसीहत। खैबर पख्तूनख्वा में कतरी शहजादों पर पाबंदी लगाने वाले खुद भी तलौर के शिकारी निकले। PTI के MPA समीउल्लाह अलीज़ई का सिंध में तलौर का शिकार। समी अलीज़ई ने दोस्तों के साथ नायाब हिरन का शिकार भी किया। गुजरांवाला में शादी पर हवाई फायरिंग ने सफे मातम बिछा दी। मैरिज हॉल में फायरिंग से दुल्हन का बहनोई जां बहक हो गया। रेस्क्यू अहलकारों ने लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सऊदी अरब के सफीर की GHQ में मुलाकात। सऊदी अरब का दिफा, पाक फौज अपनी जिम्मेदारी समझती है। आर्मी चीफ की सफीर को यकीन दहानी। मुलाकात में दीगर अहम अमूर पर भी तबादला ख्याल। कराची की सफाई के लिए मेयर की 100 रोजा इनिंग्स में दिनों की 50 हो गई। शहर में कचरे के चौके और गलासत के छक्के बदस्तूर लग रहे हैं। तारीखी एम्प्रेस मार्केट के रास्ते कचरे की वजह से बंद। यूनिवर्सिटी रोड पर भी हर तरफ गंदगी। बल्दिया उज़्मा की सुस्त रवि से शहरी आजिज हो गए। MQM लंदन के टारगेट किलर ज़ुल्फ़िकार नकवी कई सियासी और मजहबी शख्सियात के कत्ल में मुलव्वस। गिरफ्तार मुलजिम से तफ्तीश मुकम्मल। तहकीकाती टीम ने ज़ुल्फ़िकार नकवी को इंतहाई अहम दहशतगर्द करार दे दिया। मुलजिम ने इंकशाफ किया कि कराची में दहशतगर्दी के लिए 4 विजिलेंस टीमें बनाई गई थी।
कराची में फिर सर्द हवाओं के डेरे, ठंड की वजह से शहरी सरे शाम ही घरों तक महदूद। मुल्क भर में मौसम अगले हफ्ते फिर से रंग जमाएगा। पीर से जुमेरात तक बाला इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी, बेशतर मैदानी इलाकों में बारिश होगी। कबड्डी मैच के दौरान खिलाड़ियों में फड्डा, फैसलाबाद में ऑल पाकिस्तान गोल्ड कप कबड्डी टूर्नामेंट के दौरान दो टीमों के खिलाड़ी लड़ पड़े, एक दूसरे पर मुक्कों और थप्पड़ों की बारिश। झगड़ा एक मुतनाज़े पॉइंट के मामले पर हुआ। ढिलो क्लब और शेरे पंजाब क्लब का मैच कबल अज़ वक्त खत्म कराना पड़ा। और कबूल है फेसबुक से शुरू होने वाली पाकिस्तानी नौजवान और जापानी लड़की की कहानी तीन लफ्जों के साथ मुकम्मल। अहमद अनवर और मारिया अहमद रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक, रिश्तेदारों और दोस्तों ने नौब्याहता जोड़े को सदा खुश रहने की दुआएं दी।